उत्तराखंड के काशीपुर में 6 दिन पूर्व आम के पेड़ पर मृत अवस्था में साड़ी के फंदे में झूली मिली महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पल्ली की रस्सी तथा एक दराती बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। महिला की हत्या के संबंध में आरोपी मनोज ने जो कुछ बताया वह सुनकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि वह महिला की हत्या करना नहीं चाहता था, वह तो महिला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, परंतु महिला के द्वारा विरोध किए जाने से वह काफ़ी डर गया था, जिसके चलते मनोज ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मनोज ने बताया कि वह चरस भरी सिगरेट पिए हुए था, जिसके चलते उससे यह घटना घटित हुई। पुलिस पूछताछ में मनोज उर्फ विनोद ने बताया कि वह धनोरी गांव का रहने वाला है। उसके पिता की मौत के बाद वह ग्रेड मिशन स्कूल हिम्मतपुर रामनगर की बस में हेल्पर के पद पर कार्य करता है। घटना के दिन वह स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर पर खाना खाकर अमरूद के बगीचे में गया था। वहां पर ट्यूबवेल में पानी पीकर गन्ने के खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसे वहां गन्ने के खेत में मुन्नी देवी मिली, जिन्हें वह बचपन से जानता था। उसने मुन्नी देवी से कहा कि वह खेत से घास ना काटें, खेत में दवाई लगी हुई है, और आगे बताया कि उसने ही उन्हें आम के बाग में घास काटने के लिए कहा था। मृतका मुन्नी देवी ने उसकी बात पर विश्वास करके वह आम के बगीचे में चली गई। उसने बताया कि इस दौरान वह भी उनके पीछे पीछे सिगरेट पीता हुआ चला गया। उसने बताया कि उस पर वासना का भूत सवार हो गया था। वह मुन्नी देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने मुन्नी देवी से जबरदस्ती संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में मुन्नी देवी ने मनोज को थप्पड़ मार दिया और उसे धमकी दी कि वह उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जेल भिजवाएंगी। इस दौरान जोर जबरदस्ती करने पर मुन्नी देवी ने उसके हाथ में दराती से वार किया, जिससे मनोज ने दराती को बाएं हाथ से पकड़ लिया, जिससे मनोज के बाएं हाथ की बीच की उंगली कट गई। इस दौरान मनोज के द्वारा जोर जबरदस्ती करने से मुन्नी देवी घबराकर जोर जोर से चिल्लाते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने बताया कि घबराहट में उसके द्वारा मुन्नी देवी का मुंह बंद करके गला दबाकर धक्का मुक्की करते हुए 10-15 कदम चलते हुए आम के बाग के पास पहुंच गया, और मैंने दराती को छीनकर दराती से मुन्नी देवी के मुंह पर जोर जोर से वार किए, जिससे मुन्नी देवी बेहोश हो गई। आगे आरोपी बताता है कि बेहोशी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने मुन्नी देवी की पल्ली में बंधी रस्सी से मुन्नी देवी का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी यही नहीं रुका, आरोपी ने मुन्नी देवी की साड़ी से गले में फंदा लगाकर मुन्नी देवी को आम की टहनी पर लटका दिया और साड़ी को दोबारा गले में बांध दिया, जिससे कि लोगों को लगे कि मुन्नी देवी ने खुदकुशी की है, और मुन्नी देवी को पेड़ पर लटकाकर बाग से रवाना हो गया। इस आपराधिक वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर काफ़ी देर हो जाने पर जब मुन्नी देवी अपने घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने मुन्नी देवी की खोजबीन शुरू की। आसपास के क्षेत्र में मुन्नी देवी को तलाश किया, परंतु मुन्नी देवी का जब कहीं पता नहीं चला, तो परिजनों ने उसे आम के बाग में जाकर देखा तो देखकर सब हैरान रह गए। मुन्नी देवी आम के पेड़ की टहनी पर साड़ी में लटकी हुई थी। यह सब देख परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करने के लिए 5 टीमों का गठन किया, और तत्काल हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को
गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक क्राइम उधम सिंह नगर चंद्रशेखर घोड़के ने देखिए क्या बताया हमारी स्पेशल रिपोर्ट। घटना का खुलासा अधीक्षक कार्यालय में करते हुए पुलिस अधीक्षक क्राइम उधम सिंह नगर चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि काशीपुर में रामनगर रोड स्थित ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी सेवानी वृत्त बीडीओ चंद्रिका यादव की पत्नी मुन्नी देवी 15 मई की सुबह 8 बजे अपने खेत में चारा काटने के लिए गई हुई थी। जब काफ़ी समय बाद भी वह घर नहीं आई। उन्होंने बताया कि परिजनों ने मुन्नी देवी को आसपास के क्षेत्रों में तलाश किया परंतु उनका कहीं पता नहीं लग पाया, जिसके बाद परिजन मुन्नी देवी को पास ही स्थित आम के बाग में ढूंढने गए तो वहां देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि मुन्नी देवी का शव आम के पेड़ में साड़ी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुन्नी देवी के शव को पेड़ से उतार कर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके मुआयने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मुन्नी देवी की किसी के द्वारा हत्या करके शव को पेड़ पर लटका दिया गया हो। कुछ ही दूर पर मृतिका के हाथ की चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी, घास काटने की दांती भी पास में ही पड़ी थी तथा आसपास में खून के छींटे भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी तथा पुलिस अधीक्षक अभय सिंह तथा सीओ काशीपुर सुश्री वंदना वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस की 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अलग अलग टीमों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से मुन्नी देवी की हत्या के संबंध में जांच करनी प्रारंभ कर दी थी। दौरान जांच उप निरीक्षक कपिल काम्बोज की टीम के द्वारा ज्ञात हुआ कि घटना स्थल के पास खेत में एक 21 वर्षीय लड़के के द्वारा एक महिला को घास की गठरी उठाने में मदद की गई थी। उन्होंने बताया कि उस महिला के बताए हुलिये के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति का कपड़ों और रंग से मिलान कर सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। सीसीटीवी फोटोज के आधार पर लोगों को दिखाई गई। उसकी पहचान मनोज उर्फ विनोद के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए संदिग्ध मनोज उर्फ विनोद को पकड़ लिया। आरोपी को कोतवाली लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए मुन्नी देवी की हत्या के संबंध में जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। आरोपी मुन्नी देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके चलते आरोपी ने महिला की हत्या कर दी और महिला के शव को पेड़ पर लटकाकर मौके से फरार हो गया था। सभी को पता है 15 मई को लगभग 12 बजे में सूचना प्राप्त हुई थी, ग्राम भगवंतपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है, तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थिति में हुई है और पेड़ को लटका कर इसकी हत्या करने का प्रयास हुआ, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव जो महिला के पुत्र थे उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तुरंत 243/23 FIR संख्या हमने पंजीकृत किया, धारा 302 और 201 में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। चूँकि अब ब्लाइंड मर्डर था इसके लिए इसमें काफ़ी सारे प्रयास करने पड़े, इसीलिए SSP महोदय द्वारा इसमें तुरंत निर्देश दिए गए और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इसमें 5 टीमें अलग अलग काम के लिए गठित की गई, जिसमें काशीपुर थाने की टीम और SOG की भी सहायता ली गई और इन 5 टीमों ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हुए सभी संदिग्धों को टटोला, काफ़ी ग्रामीणों से पूछताछ की, टेक्निकल इनपुट्स भी देखे और इन सभी प्रयासों से हमने जो है अभियुक्त मनोज सिंह, ये जो ग्राम धनौरी प्रतापपुर का रहने वाला है, उम्र लगभग 22 साल है, इसको गिरफ्तार किया है। ये कड़ी मेहनत और काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मैं पूरा पुनश्च SP काशीपुर, CO काशीपुर इनके पर्यवेक्षण को बहुत प्रशंसा करता हूँ। इसके अलावा SHO काशीपुर मनोज रतोड़ी के निर्देशन में काशीपुर थाना और SOG की टीम ने बहुत बढ़िया कामगिरी की है और इसमें सब इंस्पेक्टर कपिल कंबोज की भी बहुत अच्छी मेहनत रही है। इन सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही हम विक्टिम सेंट्रिक जो हमारी पुलिसिंग है, इससे विक्टिम को न्याय दिलाने की हमारी
जो एक पहल रहती है उधम सिंह नगर पुलिस की, इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूँ। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक इसका आपराधिक इतिहास कोई सामने नहीं आया है इसको, लेकिन फिर भी हम तस्दीक कर लेंगे, बाकी गैर राज्य में भी इसकी तस्दीक करेंगे। मैन ऑफ द मंथ के लिए हम इसमें जो कपिल कंबोज है, सब इंस्पेक्टर कपिल कंबोज, इनको भी नामित करेंगे, और बाकी टीम के लिए भी मैं सिफारिश करूंगा कि और भी तरीके से हम इनको रिवार्ड करेंगे।